झारखंड में चल रहा भूमि घोटाला का खेल, भूमाफिया कर रहे हैं दस्तावेजों के साथ हेराफेरी, अफसर भी दे रहे हैं इनका साथ। ईडी का कहना है कि झारखंड और कोलकाता के अफसरों की मदद से जमीन माफिया दस्तावेज में जालसाजी कर राजधानी रांची में आदिवासियों की जमीन बेच रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ऐसे 5 मामलों की जांच कर रहा है। ईडी की ओर से दर्ज ईसीआईआर में अफसरों, जमीन माफिया और राजनीतिज्ञों को अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। जमीन से जुड़े मामले की जांच के दौरान अब तक 266 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन अस्थायी तौर पर जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईडी ने बड़गाई स्थित जमीन मामले में हेमंत सोरेन, भानु प्रताप और सद्दाम हुसैन को पहले गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस मामले में 16 अप्रैल को आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने गुरुवार को आगे की जांच के लिए गिरफ्तार किए गए 4 अभियुक्तों अंतु तिर्की, विपिन सिंह, प्रिय रंजन व इरशाद को 22 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर देने का आदेश दिया है। सद्दाम हुसैन की रिमांड अवधि 20 अप्रैल तक है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईडी द्वारा जमीन खरीद बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और जमीन माफिया गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि ईडी इस मामले में अब भी तफ्तीश कर रही है। शायद इस मामले में अभी और नामों का सामने आना बाकी है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।